नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। राजधानी लखनऊ में स्थित कोकरेल रिवर फ्रंट पर हो रहे सौंदर्यीकरण में पिछले दिनों खाली कराए गए अकबर नगर की जमीन पर अब कई प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत कल यानी 20 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहां पौधारोपण कर करेंगे। अनुमान है कि कल के दिन यहां पर 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि वृक्षारोपण के तहत 1,00,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उच्चाधिकारियों के मुताबिक कोकरेल नदी के किनारे 4.5 किलोमीटर के दायरे में हरियाली होगी। यहां 4.5 किलोमीटर के दायरे में 1,00,000 से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। इसके लिए लैंडस्केपिंग का काम यहां खत्म किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस जगह पर हरे भरे पौधे लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। उपरोक्त कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव ने ग्राउंड पर जाकर लिया। देखिए ये रिपोर्ट। इस समय हम जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह का नाम है अकबर नगर, यानी इस जगह पर अभी तक कुछ मकान बने हुए थे जो अनाधिकृत रूप से बनाए गए थे, जिन पर बुलडोजर चला और उसके बाद आज आप ये स्थिति यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरी तरीके से इस जगह पर हरियाली देखने को मिल रही है। जैसा कि ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों कल यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा। ऐसे में तमाम सरकारी अमला इस कार्य में जुटा हुआ है इस जगह को हरा भरा बनाने के लिए। हालांकि बात की जा रही है कि लगभग 4.5 किलोमीटर कुकरैल के दायरे में करीब 1,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। उन 1,00,000 पौधों से वैसे कल कम से कम 10,000 पौधों का वृक्षारोपण जो शुभारंभ होगा वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ होगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक बार अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि वो पंडाल दिखाएं जहाँ पर कल इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए व्यवस्थाएँ की जा रही हैं और मुख्यमंत्री खुद यहाँ पहुँच कर वो वृक्षारोपण के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। यानी जो जगह यहाँ पर अभी तक कंजेस्टेड थी, जो जगह अभी तक यहाँ पर इस तरीके से भरी हुई थी, अनाधिकृत रूप से बना हुआ था, यहाँ पर पूरी तरीके से अब हरियाली देखने वाली है। क्योंकि जो कुकरेल रिवर फ्रंट का एरिया है वो ये अबरार नगर का इलाका कहलाता है। एक बार मैं फिर कहूँगा कैमरा पर्सन से कि वो चल के दिखाएं कि कितने कर्मचारी इस समय लगे हैं, चाहे वो लखनऊ विकास प्राधिकरण के हों, चाहे वह नगर निगम के हों, चाहे और भी डिपार्टमेंट के हों, सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारी लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं और वृक्षारोपण के कार्यक्रम के लिए वो अपनी जिम्मेदारी भी तय किए हुए हैं और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। फिलहाल लखनऊ विकास प्राधिकरण के सभी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, वो सारे अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं। वो लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं कि कैसे वृक्षारोपण के कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 11 बजे यहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे। कुकरेल का रिवर फ्रंट का जो एरिया है वो तकरीबन 4.5 किलोमीटर का है, जहाँ पर 1,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। फिलहाल अगर बात की जाए तो लखनऊ को साफ सुथरा और एक स्वच्छ वातावरण देने के लिए एक मुहिम उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है, जिसको पूरा करने के लिए आज पूरा सरकारी अमला जुटा है। एक बार हम फिर अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे वो चारों तरफ के इस दृश्य को दिखाए कि जो यहाँ पर कल हरा भरा होने वाला है। पहले इस जगह को आपने देखा होगा कि यहाँ पर कई सैकड़ों मकान बने रहे, उन मकानों को तोड़ने का निर्देश आया, फिर उस अनाधिकृत रूप से वो जगह बनाया गया था, उसके बाद अब ये पूरा एरिया आपको हरा भरा नजर आ रहा है। पंडाल जो बन रहा है, ये पंडाल इसलिए बन रहा है, कल वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम का शुभारंभ होगा वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों होगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं होंगे और सभी विभाग के आला अफसर इस व्यवस्थाओं में जुटे हैं कि उनकी रूपरेखा कैसी होगी, किस तरीके से मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और कैसे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा। फिलहाल अगर आप देख सकते हो और अंदाज़ा लगा सकते हो तो इस समय हजारों की तादाद में यहाँ पर कर्मचारी मौजूद हैं, वो दिन रात एक करके इस जगह को हरा भरा बनाने के लिए प्रदेश सरकार का साथ निभा रहे हैं। फिलहाल कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस जगह पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू करेंगे यानी प्रारंभ करेंगे, तो 10,000 पौधों से कल यहाँ पर तरह तरह के पौधे भी लगाए जाएंगे जो जीवन रक्षक में काफ़ी कामयाब होते हैं। जैसे अगर बात की जाए तो नीम, बरगद, आम, पीपल, ऐसे वृक्षों को लगाया जाएगा जिन वृक्षों से वातावरण शुद्ध रहे और ऑक्सीजन मिलता रहे। तो ऐसे में कल 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस जगह पर पहुंचेंगे और वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे। राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ वृक्षारोपण करने वाले हैं कल, उसके लिए पूरी तैयारियां जोर शोर पर है। हमारे साथ बात करने के लिए नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं सर क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या रूपरेखा रहेगी कार्यक्रम की। कल जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक वृद्ध वृक्षारोपण जो करवाया जा रहा है पूरे प्रदेश में, इसमें 36 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगेंगे, उसमें लखनऊ भी शामिल है।
इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी कल सुबह उकरेल नदी के किनारे पे वृक्षारोपण करेंगे, जिसको लेके नगर निगम, LDA और जिला प्रशासन द्वारा सारी तैयारियां पूर्ण करा ली गई हैं। इसमें उकरेल नदी का जो पुनर्धार किया जा रहा है उसके में बहुत फोकस है। आपने देखा होगा कि ये जो उकरेल नदी है इसकी भी सफाई की गई है और कल इसी के जो किनारे पे 10,000 से अधिक वृक्ष लगाए जाएंगे। नगर निगम ने जो अपने वृक्षारोपण थे वो पूरे करा लिए हैं। इसके साथ साथ पूरे लखनऊ में 1.5 लाख से ऊपर जो है वृक्षारोपण होना है और जिसकी भी तैयारियां पूर्ण करा ली गई हैं और जिसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हमारा पूरी तरह से जो है पूरा तैयार है और हमारे माननीय पार्षद जी भी इसमें हर जगह सहयोग कर रहे हैं। हर वार्ड पार्कों में कल वृक्षारोपण होगा। तो आप देख रहे होंगे जिस तरीके से लखनऊ विकास प्राधिकरण और लखनऊ का पूरा अमला प्रशासन यहाँ पर जुटा हुआ है, इतनी सारी पुलिस भी यहाँ पर तैनात कर दी गई क्योंकि कल यहाँ पर जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है उसके लिए लगातार सभी विभाग के अधिकारी सजग है। अगर बात की जाए नगर निगम की तो नगर निगम के नगर आयुक्त भी लगातार इस जगह पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और उन्होंने भी अपने जितने भी अधिकारी हैं, अपने जितने भी कर्मचारी, उनको निर्देशित किया है कि मौके पर पहुंचे और वहां पर स्थिति का जायजा लेते हुए जो कार्य वृक्षारोपण का होना उसको सर संभव करावें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रितेश श्रीवास्तव, सी न्यूज भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।